हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन टिंडा सालन। तो आइए इसे बनाना करते हैं शुरू। इसके लिए मैंने 500 ग्राम मटन लिया है और एक कुकर में एक कप करीब ऑयल गर्म करने रख दिया है। यहाँ कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 4 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, शाह जीरा, बे लीफ और सिनेमोन स्टिक। इनको 2 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। और 2 प्याज को मैंने यहाँ स्लाइस कट करके रखा हुआ था और अब हम प्याज ऐड कर देंगे और लाइट पिंक होने तक प्याज को हम फ्राई करेंगे। मटन को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम मटन इसमें ऐड कर देंगे। प्याज फ्राई हो चुकी हैं और मटन को भी हम 2-3 मिनट प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि मटन का कलर चेंज हो जाए और मटन भी अच्छे से प्याज के साथ फ्राई हो जाए। तो बहुत ही इजी है टिंडा और मटन को बनाना और इससे मटन का जो टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाता है। और मटन के साथ हमें वेजिटेबल का भी बेनिफिट मिल जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। 2 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे और 2 चम्मच हम इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मली जो हम सब्जियों में डालते हैं वो ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा इसलिए मैंने इसमें डाली है। और 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी मसालों को। और 1 चम्मच नमक हमने यहाँ ऐड करना है। आप चाहें तो नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम कुकर की लीड लगा देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और 1 व्हिस्टल आने के बाद में गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और 15 से 20 मिनट कुक करना है। और जब 15-20 मिनट हो जाए तो ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हमें इसका लीड हटा देना है और हमें चेक करना है कि मटन हमारा टेंडर हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर मटन टेंडर ना हो तो हमें इसे 2 से 4 या 5 मिनट और कुक कर लें। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे 1/2 कप और दही को अच्छे से मिक्स करके हमें ऐड करना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसे भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो दही से हम भुनाई कर लेंगे इसकी और ये भून चुका है। अब हमने यहाँ पर 300 ग्राम टिंडे लिए हैं जिन्हें धोकर मैंने उनमें कट लगा दिया है और मैंने 2 पार्ट नहीं किए हैं टिंडे के, ओनली कट लगाकर मैंने चेक किया है कि कोई ख़राब तो नहीं है और कट लगाकर मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो 2 पार्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 कप पानी डालकर मैंने कुकर को कवर कर दिया था। लीड नहीं लगानी है, ओनली कवर करना है। 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर कुक करेंगे और अब टिंडे को भी चेक कर लेंगे। टिंडा भी टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें 4 हरी मिर्चें वॉश करके कट करके ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाले से जो सालन होता है मटन का उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है। अब हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मटन टिंडा सालन हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही डिलीशियस बनकर ये तैयार हुआ है। और हम इसे तंदूरी रोटी, चपाती, नान,
कुलचे, किसी भी चीज़ से इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए टिंडा मटन सालन और बताइए कि आपका कैसा बना, और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।